प्लानिंग तैयार की गई है? अज जड़ा है ये 20 बच्चे जोड़े है मैपिंग कर लिती गई है। ये नेड़े तेड़े के 12 महल्ले ने जितों आते हैं, 12 महल्लों के अच्छी टीम्स भेजिया गई ने। उस एरिए सारी असं स्पैशल सैंपलिंग कर रहे हैं ये देखने के लिए भी इन्होंने परिवार या उन्होंने महल्लों के वैसे तो नहीं बीमारी फैली हुई, तो जिदा भी नतीजे आने उस अकॉर्डिंगली असं अगला कदम ला। सर जिमें कि स्कूलों में पॉजिटिव रिपोर्टा आ रही ने, सो अगे की प्लैनिंग की गई है क्योंकि मापे भी डर चुके हैं स्कूल? देखो इस तरह है, 1.5 साल तो बंद ने स्कूल, पहला एक नीजर रिएक्शन के नाल नहीं है भी एक स्कूल पॉजिटिव आ गए तो सारे का फैसला ले लीए। स्कूल बंद होने करके बच्चों का काफ़ी नुकसान होया और खासकर इस जो गरीब तबके के लोग ने जोड़े कि ऑनलाइन अफोर्ड नहीं कर सकते, भावें कि सरकार ने मोबाइल दते ने बट मोबाइल की कनैक्टिविटी के इशूज होर इशूज होंगे, जी असल स्कूल पढ़ाई है वह कोई रीस नहीं हैगी। तो लैट्स गिव इट ए चांस, असी हर रोज़ 1500 बच्चों का टारगेट रखिया, असी कॉन्टीन्यूअसली इन्हां दी स्कैनिंग करते रहेंगे। अगर कोई बहुत ज़्यादा केसिज आए तो सरकार इसते कोई होलिस्टिक फैसला लेगी, पर अजे इन्ने केस नहीं आए कि इमीडिएटली इसते कोई लेिए, और किसी बच्चे की कोई हालत भी खराब नहीं, सारे बच्चे असिमटोमैटिक ने क्योंकि बच्चे ही होंगे ने। और असी जिन्ना मर्जी कही कई बार उन्नी प्रिकॉशन नहीं होंगे, पर अज मैं जाके आया सिमिट्री रोड से जो गवर्नमेंट सीनियर सैकेंडरी स्कूल है उत्थे असी वही स्कूल नहीं बाकी भी स्कूलों असी सैंपलिंग कर रहे हैं, यदा अजे अपन एहतियात करन दी सैंपलिंग करन दी लोड़ है। अगर कोई इस तरह की नौबत आई फिर उस पर सरकार विचार करे। तीसरी वेव नूं लेके किस तरह की तैयारी हैगी कि कह जा रहा है कि जो बच्चों नूं लेके तीसरी क्योंकि बच्चे आज कह रहे थे कि खतरा हो सकता है इस करके स्कूल आ गया तो बच्चे मापे डरे हुए हैं कि हो सकता है कि तीसरी वेव ना आवे। ये तो एक बड़ी तुसी जनरल टर्म है भी किहड़े मां प्यो डरे हुए ने, ये तो पूरे पंजाब च दो स्कूलों ही आए हैगे ने, बाकी स्कूल तो ठीक ही ने, सैंपलिंग सारी थां हो रही है, कोई इस तरह की गल नहीं है, डरन वाली कोई गल नहीं है और ना ही आपां कोई सेंसेशनलाइज भी ना करिए। इस मतलब आपां नूं कोई डरन की लोड़ नहीं बट होश की और थोड़ी प्रिकॉशन रखने की लोड़ है, वो असी रख रहे हैं और मापे भी रख रहे हैं स्कूल भी रख रहे हैं और स्कूलों से उही टीचर अलाउड ने जिन्होंने दोनों टीके लगाए। सर लुधियाने तीसरी वेव लैके तैयारी किस तरह की हैगी? अगर डेंगू का अप्रोच आ रहा, डेंगू के केसेज भी आ रहे? तीसरी वेव नूं लैके तो बहुत अच्छी तरीके तैयारी है जी, असी जिहड़ा साडा सिविल हस्पताल है उस नंबर ऑफ बैड्स भी वधाए है, बच्चों का ICU जिहड़ा हैगा पीकू वह भी असी स्थापित किया हैगा, और इस तो अलावा 10 असी PSA जिहड़े ऑक्सीजन प्लांट्स ने वो भी स्थापित किए ने प्राइवेट तो सरकारी सारे हस्पतालों के, और वो इस करके मैनू लगता है कि इस बार असी बेटर प्रिपेयर्ड है। डेंगू के प्रकोप भी बढ़ रहा वो उसमें लैके किस तरह तैयारी की? डेंगू का तो जिवें IC एक्टिविटीज़ करते हैं हूँ लोग तो सारे जानते हैं, डेंगू का तो असी साडी आपदी करनी धरनी हैगी है, उस कारपोरेशन भी सारा इन्हों जागरूक करती है, सिविल सर्जन भी करते हैं, साफ पानी ना इकट्ठा होने दे उम्मीद आ मौसम में तुहाडे राही भी मैं कहना कितने टायर या होर टुटे फुटे समान ना रखन लोग, ये स्पैशल जी चलानी मुहिम है वो ऑलरेडी सरकार ने चलाई हुई है, इन्हों असी होर तेज। स्कूलों ने कोई खास निर्देश दिए गए दूसरी डोज लगा के जो अध्यापक स्कूलों में? हाँ बिल्कुल किया गया कि दोनों डोजेज लगा के ही जो अध्यापक ने स्कूलों चाहन, और जो बच्चे ने जो किसी सिमटम्स आते हैं तुरंत उन्होंने छुट्टी की जाए सैंपलिंग किया जाए वह, और बाकी असी रूटीन के मैं डॉक्टर किया कि रैपिड की बजाय RT-PCR टेस्ट करो जो कि बिल्कुल 100% वो शुद्धता हैगी है, भावें एक दिन लेट वह रिजल्ट आता ताकि सानू सही पिक्चर सामने आवे। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल न्यूज़ DNN बाय क्लिकिंग द बेल आइकॉन, डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर।